हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लेट अस कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 7। सो इन लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट किया था। तो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3। सो ये हमारा सम नंबर 7 है। सो स्टूडेंट, इफ़ यू आर हियर फॉर फर्स्ट टाइम then please watch previous lecture for your better understanding, okay? तो चलो हम ये सम नंबर 7 अभी सॉल्व करते हैं। तो सी द क्वेश्चन, फाइंड पी क्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पी एंड क्यू फाइंड करना है। इफ़ द इक्वेशन, सो ये जो इक्वेशन आपको दिया है रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। तो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर हमने सम सॉल्व किए थे। इसमें क्या था, पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है जो गिवन इक्वेशन, ये आपने प्रूव किया था। ठीक है, तो इसलिए आपने कौन से कंडीशन यूज़ किया था? करेक्ट, फर्स्ट तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो था, और सेकेंड एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पी क्यू फाइंड करना है। और इसके लिए आप लोगों को कंडीशन दिया है कि ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमें फर्स्ट। और अब यहाँ पे देखिए, ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पे मेन वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइंस है, मतलब कौन सी कंडीशन है हमारे पास और एक, करेक्ट, ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो बस स्टूडेंट, अब ये सब आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, हमें फर्स्ट कंडीशन यूज़ करना है ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और सेकंड हम डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो यूज़ करते हैं, तो हमें पी और क्यू मिल जाएगा। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो सी स्टूडेंट, कंपेयरिंग विथ, ठीक है, कंपेयरिंग विथ, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। सो वी गेट, तो हमें यहाँ पे ए कितना मिल रहा है, p, then 2h is minus 8, then b is 3, then 2g is equal to 14, 2f is equal to 2 and c is equal to q. ठीक है, तो देयरफॉर h हमें मिल रहा है minus 4 और g मिल रहा है 7 and f is 1. तो स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले परपेंडिकुलर लाइन्स है। ठीक है, सो देयरफॉर एज द गिवन इक्वेशन, एज द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन्स, वी हैव ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो चलो, ए इज पी प्लस बी कितना है, बी इज थ्री इक्वल टू ज़ीरो। सो देयरफॉर पी इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशन से पी माइनस थ्री फाइंड किया है। ठीक है, नाउ वी हैव सेकेंड कंडीशन, दैट इज डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, सो फ्रॉम दिस वी विल गेट क्यू। ओके स्टूडेंट, तो चलो हम अब सेकेंड कंडीशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम p, ठीक है, तो a मतलब p, और p कितना फाइंड किया हमने, माइनस थ्री। ठीक है, तो ये हमने फाइंड किया है p। चलो अब हम q फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं as the given equation represents as the given equation
represents a pair of line, ठीक है, pair of lines, we have determinant is equal to zero, हाँ, तो ये determinant क्या आएगा, ठीक है, हम general form लिखते हैं, तो ये easy होगा हमें लिखना, H, B, F, G, F, C is equal to zero. तो बस स्टूडेंट, अब हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है इस डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़, ठीक है, तो क्या आएगा, ठीक है, मैं यहाँ का पार्ट थोड़ा इरेज करती हूँ, ए इज माइनस थ्री है, ठीक है, सो देयरफॉर ए माइनस थ्री है, ठीक है, ए मतलब पी, और पी हमने फाइंड किया है, तो हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, और एच कितना है, माइनस फोर, देन जी, जी सेवन, देन एच माइनस फोर, देन बी, बी इज थ्री, देन एफ, एफ इज वन, देन जी सेवन, एफ इज वन, और सी क्या है, सी इज क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. तो बस स्टूडेंट, अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है और ये इक्वल टू ज़ीरो है, तो बस लेफ्ट साइड में आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको ये वीडियो पॉज करना है, और ये डिटर्मिनेंट, अब आपको डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है ये भी आता है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है एंड सॉल्व द डिटर्मिनेंट एंड फाइंड क्यू, ठीक है. तो सी स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 25 इंटू क्यू प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 25 कॉमन लिया है तो हमें ये मिला, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्यू प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हमें पी मिला माइनस 3 और क्यू मिला माइनस 8, तो जो टू कंडीशंस गिवन थे इससे हमने दोनों भी पी एंड क्यू फाइंड किया है, ओके. तो जस्ट स्टूडेंट, आपको स्टेप्स याद रखना है, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन अगर चेंज होता है तो बस आपको सेम स्टेप फॉलो करना है, और जो भी वेरिएबल इज आस्क यू हैव टू फाइंड, ओके. तो चलो हम अब नेक्स्ट सम देखते हैं, सम नंबर 8. तो सम नंबर 8 भी सेम टाइप का है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो सर स्टूडेंट, क्वेश्चन इज फाइंड पी एंड क्यू इफ द इक्वेशन 2x² प्लस 8xy प्लस py² प्लस qx प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू ज़ीरो रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ, अब यहाँ पे क्या दिया है, देखो पैरेलल लाइंस, ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, परपेंडिकुलर लाइन, बस, और दोनों भी क्या है, पेयर ऑफ लाइंस है, तो अगेन वी हैव टू कंडीशन, एक तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो है क्योंकि ये रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस है, ठीक है, और सेकेंड क्या है, इस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, और फिर जो सब कॉन्स्टेंट है ये फाइंड करना है, और फिर आपको ये कंडीशन पहले यूज़ करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो इससे आपको आइदर पी और क्यू मिल जाएगा, ठीक है, और सेकेंड में आपको क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो लिखना है, आपको यहाँ पे जो भी पी या क्यू मिला है ये आपको इस डिटर्मिनेंट में सब्स्टिट्यूट करना है. नाउ इन डिटर्मिनेंट यू हैव ओनली वन अननोन वेरिएबल, और बस उसको आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है एंड यू विल गेट बोथ वेरिएबल्स, ठीक है. तो ये सम आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट. नाउ सी द नेक्स्ट सम इज सम नंबर 9, इक्वेशंस ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड y² माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल टू 0. फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल. तो सी स्टूडेंट, फर्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन समझ लेते हैं. सपोज ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ए बी सी डी यहाँ पे लिखती हूँ. अब हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कौन सा पॉइंट कहाँ पे आएगा, लेकिन हमने ऐसे ही रफली लिखा है. तो सपोज़ यहाँ पे ये जो दो इक्वेशंस गिवन है, एक इक्वेशन होगा ए बी
और BC का जॉइंट इक्वेशन है एक इक्वेशन, ठीक है, और दूसरा जो इक्वेशन आपको गिवन है सपोज़ ये, तो ये AB और CD का है, राइट स्टूडेंट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हम फर्स्ट स्टेप सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सेपरेट इक्वेशंस में हमें क्या मिलेगा, AB का सेपरेट इक्वेशन मिलेगा, CD का सेपरेट इक्वेशन मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, AD और BC का सेपरेट इक्वेशन मिलेगा। सो वी गेट 4 इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ दिस 4 साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आफ्टर दिस हमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स। तो हमें क्या करना है, ये डायगोनल BD और AC, तो इसका जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। सो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशन। तो BD का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, फिर AC का इक्वेशन फाइंड करना है, एंड देन उसका जॉइंट इक्वेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आई होप इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करते हैं। ओके, सो देयरफॉर लेट ABCD बी द पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम सच दैट कंबाइन इक्वेशन ऑफ से AB एंड CD, ठीक है, AB एंड CD, इसका हम फर्स्ट कंसिडर करते हैं इक्वेशन से x² - 7x + 6 = 0 एंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, अब दूसरा कौन सा है, BC एंड AD, ठीक है, रिमेनिंग साइन कौन सा होगा, BC एंड AD इज, अब इसका दूसरा इक्वेशन है y² - 14y + 40 = 0। तो ये हमने इक्वेशंस कंसीडर किया है। तो चलो अब हम पहले फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये और AB और CD का सेपरेट इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर x² - 7x + 6 = 0, तो इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, -7 एडिशन और +6, तो x - 6 और x - 1, राइट, = 0। तो देयरफॉर x - 6 = 0 एंड x - 1 = 0, सो दीज आर द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ AB एंड CD, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट AB एंड CD आर x - 6 = 0 एंड x - 1 = 0 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन AB का कंसिडर किया और सेकेंड इक्वेशन से CD का कंसिडर किया। तो सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम, सेकेंड इक्वेशन इज y² - 14y + 40 = 0। सो +40 ये चाहिए, तो क्या आएगा, y - 4 और y - 10, ठीक है, = 0। सो देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस क्या आ रहे हैं हमें, y - 4 = 0 एंड y - 10 = 0। तो चलो हम इसको कंसिडर करते हैं BC और AD का इक्वेशन। सो देयरफॉर सेपरेट इक्वेशन ऑफ BC एंड AD आर, फर्स्ट क्या है, y - 4 = 0 एंड y - 10 = 0 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम अब हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो इससे अंडरस्टैंडिंग और इजी होगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे जो हमें इक्वेशंस रिक्वायर्ड है इतना ही पार्ट यहाँ पे रखती हूँ,
तो चलो अब सी यहाँ पे, यहाँ ये इक्वेशन से क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू 4, यहाँ से मिल रहा है वाई इक्वल टू 10, ठीक है, और इससे एक्स इक्वल टू 6 एंड ये एक्स इक्वल टू 1 मिल रहा है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसके लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो सपोज़ ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो पहले मैं एक्स वाले लाइंस ड्रॉ करती हूँ, एक्स इक्वल टू क्या है 1 है, तो 1 सपोज़ यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन हो गया आपका एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, और दूसरा क्या एक्स इक्वल टू 6, तो ये आपका आ रहा है एक्स इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हमने दो लाइंस ड्रॉ किया है ए बी और सी डी का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, वाई इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू 10, तो सपोज़ यहाँ आ रहा है 4 आपका, ठीक है, तो ये आपका वाई इक्वल टू 4 लाइन है और ये वाई इक्वल टू 10 है सपोज़, ठीक है, वाई इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू 1 मतलब हमने क्या किया है, सी डी लिखा है। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट्स आएंगे, अभी ए बी इट्स 6, ए बी 6 है, तो मैं यहाँ पे जस्ट ये यहाँ पे सी डी करती हूँ। स्टूडेंट आप भी थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ पे सी डी और यहाँ पे ए बी करो, तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखना आसान होगा हमें। तो यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा आपका बी, ठीक है, और सी, ठीक है, सी और ये डी, ठीक है। तो सी स्टूडेंट अब हमें यहाँ पे ए बी सी डी पैरेललोग्राम मिल गया है। अब इससे हमें क्या करना है, डायगोनल का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। तो फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी, ठीक है। तो चलो हम बी डी का इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बी डी का इक्वेशन फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे देखिए आपको एग्जैक्ट डी के और बी के कोऑर्डिनेट्स इससे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये क्या एक्स कोऑर्डिनेट है 6 और वाई कोऑर्डिनेट है 10, तो ये क्या आएगा 6 और 10, ठीक है। तो ये हो गए आपके डी के कोऑर्डिनेट, और बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, यहाँ पे एक्स 1 है और वाई 4 है, ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 1 एंड 4। तो स्टूडेंट यू नो द टू पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन, ठीक है। तो टू पॉइंट्स फॉर्म में हमें क्या करना होता है, वाई माइनस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स 1 इज इक्वल टू वाई 1 माइनस वाई 2 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स 2। तो इससे आप लोगों को इक्वेशन ऑफ बी डी मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो हम पहले इक्वेशन ऑफ बी डी फाइंड करते हैं। आप लोग इक्वेशन ऑफ ए सी भी फाइंड कर सकते हो पहले, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं पहले अब ये यहाँ से ये करती हूँ, तो बस हमें अब ये डायग्राम ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो चलो हम अब इक्वेशन ऑफ बी डी फाइंड करते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी, ठीक है, इसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स भी लिखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं बी 1 4, ठीक है, और डी 6 10, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर वाई, ये फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, करेक्ट, वाई माइनस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स 1 इज इक्वल टू वाई 1 माइनस वाई 2 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो हम हमारा बी का कोऑर्डिनेट है इसे एक्स 1 वाई 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। सपोज़ ये आपका एक्स 1 वाई 1 है और ये आपका एक्स 2 वाई 2 है, ठीक है। तो चलो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर वाई माइनस वाई 1 क्या है 4 है अपॉन एक्स माइनस एक्स 1 1 है, सो दिस इज इक्वल टू वाई 1 कितना है, वाई 1 है 4 माइनस वाई 2 10 अपॉन एक्स 1 है 1 माइनस एक्स 2 6, ठीक है।
तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, y माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो ये माइनस 6 अपॉन माइनस 5 आ रहा है, ठीक है, माइनस 6 अपॉन माइनस 5, ओके। सो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो देयरफॉर y माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, तो हम 5 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 1, तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 5 माइनस 20 इज इक्वल टू 6x माइनस 6, तो ये हम सब राइट साइड में लेते हैं, तो 6x माइनस 5y और ये प्लस 20 हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी, ठीक है स्टूडेंट। तो सिमिलरली हमें अब इक्वेशन ऑफ ए सी फाइंड करना है, ठीक है, डायगोनल ए सी का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो मैं ये इक्वेशन यहाँ साइड में लिखती हूँ, 6x माइनस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट नाउ यू नो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस डायगोनल BD, so from that you can find the equation of diagonal AC. So student pause the video and first आप लोग try करो इस equation find करने का, same step आपको follow करना है, सिर्फ coordinates change हो रहे हैं यहाँ पे, so therefore अब आप लोग check कर सकते हो equation of डायगोनल, अब AC फाइंड करते हैं हम, ठीक है। AC के लिए A के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखना है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट है 1 और ये 10, ठीक है, A के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 1 एंड 10, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 एंड 10, और इसका बात क्या है, C के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, x कोऑर्डिनेट इज 6 और y कोऑर्डिनेट इज 4, तो ये आ रहा है 6 एंड 4, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा सपोज x1 y1 है, ठीक है, ये x1 y1 है A, और ये है x2 y2 है, तो सपोज ये x2 y2 है, तो अगेन हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो चलो फॉर्मूला लिखो, y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है। तो चलो हम अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़, तो y माइनस y1 क्या है, 10 है, अपॉन x माइनस x1 है 1, सो दिस इज इक्वल टू y1 है 10 माइनस 4 अपॉन ये क्या आएगा 1 माइनस 6, तो ये आएगा y माइनस 10 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू ये क्या आएगा 6 अपॉन माइनस 5, ठीक है, तो ये आ रहा है 6 अपॉन माइनस 5, तो ये माइनस 5 इंटू क्या आएगा y माइनस 10 इक्वल टू 6 इंटू ये आएगा x माइनस 1, तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं और ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आएगा माइनस 5y प्लस 50 इज इक्वल टू 6x माइनस 6, देन चलो हम राइट में सब टर्म्स लेते हैं, 6x प्लस 5y और ये माइनस 6 और ये माइनस 50 हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस 56 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ सेकेंड डायगोनल दैट इज़ AC। तो
तो सी स्टूडेंट, अब हमने सेपरेट डायगोनल का इक्वेशन फाइंड किया है दोनों डायगोनल का, तो बस आपको इसका जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। सो राइट डाउन, देयरफॉर यू नो हाउ टू फाइंड द जॉइंट इक्वेशन, ठीक है। क्या करना है, अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स क्या आएगा, जॉइंट इक्वेशन, तो हम 6x प्लस 5y माइनस 56 इंटू 6x माइनस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो u इंटू v इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमने ये इक्वेशन लिखा है, ओके। तो चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करो एंड फाइंड द जॉइंट इक्वेशन। यू नो हाउ टू फाइंड दिस जॉइंट इक्वेशन, ठीक है। पहले 6x से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर 5y से करो और फिर माइनस 56 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 36x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 30xy प्लस 84x प्लस 30xy प्लस क्या आएगा 30xy माइनस 25y स्क्वायर प्लस 70y माइनस, अब ये क्या आएगा 6 और ये 3x, ठीक है, प्लस अगेन ये आएगा 0 और ये 28y माइनस ये आएगा 4 और ये 7 8 इज इक्वल टू 0। तो चलो अब हम यहाँ पे देखिए, ये 30 माइनस और प्लस कैंसिल हो रहा है, ओके, बाकी कैंसिल नहीं। अभी आंसर क्या आएगा, फिर 36x स्क्वायर, ठीक है, और एक्स वाई टर्म कैंसिल हो गया, अब वाई स्क्वायर लिखते हैं हम, माइनस 25y स्क्वायर। नाउ एक्स टर्म 84x माइनस 3, ये क्या आएगा, माइनस आएगा और ये आएगा 252x, सॉरी यहाँ पे आएगा 252 आएगा, ठीक है, 252x। और y क्या है, अभी 70 और प्लस ये, तो ये क्या आएगा 0 और ये 350y माइनस ये 784 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आई होप स्टूडेंट ये सम आपको कैसे करना है ये समझ में आ गया है। क्या किया है हमने, पहले जो जॉइंट इक्वेशंस ऑफ अपोजिट साइड्स दिया था इसका हमने सेपरेट इक्वेशन फाइंड किया, और ये सेपरेट इक्वेशन से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं फोर कॉर्नर से, और इससे हमने जॉइंट इक्वेशन सॉरी डायगोनल के इक्वेशन फाइंड किया है, और डायगोनल के जो इक्वेशंस मिले उसका जॉइंट इक्वेशन फाइंड किया है, ओके। नाउ सम नंबर 10, ट्रायंगल OAB इज फॉर्म बाय लाइंस x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सी स्टूडेंट, ट्रायंगल के जो थ्री साइड्स हैं इसमें जो दो साइड्स है इसका कंबाइन इक्वेशन आपको दिया है, ठीक है, और ये थर्ड इक्वेशन थर्ड साइड का दिया है, ओके। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ मेडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम O। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ मेडियन फाइंड करना है। तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो आपको ये और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे क्या सॉल्व करना है ये भी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। सी स्टूडेंट, ये आपका x एक्सिस है और ये y है,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे दो लाइंस ड्रॉ करती हूँ। तो सपोज़ ये दो लाइंस है, यहाँ सेंटर में तो ओ लिखते हैं हम, तो यहाँ पे ये जो दो लाइन है इसका इक्वेशन, सपोज़ ये जॉइंट इक्वेशन दिया है आप लोगों को, ठीक है। और हम थर्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये सपोज़ थर्ड लाइन है हमारी, तो और इसका इक्वेशन ये है, ठीक है, 2x + 3y - 1, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे इसको, ये ओ है तो यहाँ पे हम सपोज़ ए कंसीडर करते हैं और ये दूसरा पॉइंट है इसे बी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी इज कौन सा है, x² - 4xy + y² = 0 एंड इक्वेशन ऑफ सेगमेंट ए बी इज, तो इसका इक्वेशन हम कौन सा कंसिडर करेंगे, 2x + 3y - 1 = 0, ठीक है। तो सपोज हमने ये इक्वेशन इसके कंसिडर किया है और यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मेडियन ऑफ ट्राइंगल। तो मेडियन हम इसे मेडियन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। तो सपोज़ ये मेडियन है, मैं यहाँ पे पी लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मेडियन का इक्वेशन मतलब ओ पी का इक्वेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सी स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0 है, ओके। और पी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हमें ओ पी का इक्वेशन मिल जाएगा, ओके। अब पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो सपोज हम ए के कोऑर्डिनेट्स से x1 y1 कंसिडर करते हैं, ठीक है, थीके? और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट ए x1 y1 एंड बी इज से x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट पी क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी एंड देयरफॉर पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, मिड अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला x1 x2 / 2 y1 + y2 / 2, ठीक है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे पी के, ठीक है स्टूडेंट। तो बस हमें अब इसको सॉल्व करना है, तो इसलिए हमें पहले क्या करना है, x1 x2 and y1 y2 फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करोगे, तो वी हैव दिस टू इक्वेशंस, ठीक है। तो ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे और हमें ये x1 x2 y1 y2 मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने सब लिख लिया है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, जॉइंट इक्वेशन है x² - 4xy + y² = 0। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दूसरा इक्वेशन है 2x + 3y - 1 = 0, सो इसे हम x = लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2x = 1 - 3y एंड देयरफॉर x = 1 - 3y / 2। तो स्टूडेंट ये x हम ये जॉइंट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर ये क्या आएगा, 1 - 3y / 2 2 (y) + y² = 0। तो चलो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये स्क्वायर एक्सपांड करना है हमें यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, 1 - 6y + 9y² / 4 - ये आएगा 2y - 1 - 3y + y² = 0, ठीक है। देन 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है हमें, यहाँ ये देखिए ये 2 2s किया है हमने और ये y, तो ये 2y आ गया, ठीक है। तो 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 - 6y + 9y² - 8। अब मैं यहाँ इससे मल्टीप्लाई भी करती हूँ, ये 8y हो गया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ये आएगा 8y माइनस माइनस प्लस 8 थ्री जा 24y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। सो पहले हम y स्क्वायर के टर्म्स लिखते हैं 9, 24 और 4, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस ये 37y स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस 8y और ये 14y आ रहा है प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। सो सी स्टूडेंट, हमें ये इक्वेशन मिला, ठीक है, तो मैं ये इक्वेशन यहाँ लिखती हूँ। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इस टाइप में हमें ये मिला है, ठीक है, 37y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें क्या करना है, अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन के साथ हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो सी देयरफॉर कंपेयरिंग विथ, ठीक है, कंपेयरिंग विथ हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, बी एम स्क्वायर प्लस एम सॉरी बी एम स्क्वायर प्लस 2hm, ठीक है, 2 प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है स्टूडेंट, इसके रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके रूट्स क्या होते हैं, m1 एंड m2 होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल क्या है, y है, ठीक है, और इसीलिए हम जो हमारा इक्वेशन है इसके रूट्स क्या कंसिडर करेंगे, y1 एंड y2 कंसिडर करेंगे, राइट। तो चलो हम लिखते हैं, लेट रूट्स ऑफ, इसे हम इक्वेशन से 1 लिखते हैं, ठीक है, से रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 बी y1 एंड y2, ठीक है। सो देयरफॉर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, सी स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते थे, m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या लेते थे, माइनस 2h अपॉन बी, ठीक है। तो सेम हमें यहाँ पे लिखना है, तो ये क्या आएगा, माइनस 2h अपॉन बी, तो ये आएगा माइनस 2h के साथ इसको कंपेयर करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस 14 आ रहा है, ठीक है, अपॉन ये क्या आएगा 37, ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या आएगा 40 अपॉन 37, ओके। तो आपको ये क्या मिला, y1 प्लस y2 मिला, ओके स्टूडेंट। तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ओके, तो p के कोऑर्डिनेट्स मतलब आपको क्या फाइंड करना है, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो हम लिखते हैं देयरफॉर, अब ये y है ना, तो y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 7 अपॉन 37। तो पॉइंट P का हमें y कोऑर्डिनेट मिला। अब हम x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो जो ए बी का इक्वेशन है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो ए बी का इक्वेशन क्या है हमारे पास, सो देयरफॉर टू फाइंड x कोऑर्डिनेट, ऑफ p, ठीक है, तो ए बी का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं 7 अपॉन 37, ठीक है, सो देयरफॉर 2 इंटू 7 अपॉन 37 प्लस सॉरी y है ना, ये तो इसमें y सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, सो देयरफॉर 2x प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 37 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं और x फाइंड करते हैं, ठीक है, ओके, तो ये क्या आएगा, 2x प्लस ये आएगा 21 अपॉन 37 माइनस 1 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू, ये राइट साइड में जाएगा, 1 माइनस 21 अपॉन
37, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 37 माइनस 21 अपॉन 37, सो 2x इज इक्वल टू ये क्या आ रहा है, 16 आएगा, सब्ट्रैक्शन आ रहा है 16, तो ये देयरफॉर एक्स क्या आएगा फिर 2 से डिवाइड होगा तो 8 सार 16 हो जाएगा, तो 8 अपॉन 37, तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 8 अपॉन 37, सो देयरफॉर, तो अब हम पी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, देयरफॉर तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले हैं, पी एक्स 8 अपॉन 37 और ये 7 अपॉन 37 मिला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मेडियन फाइंड करना है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मेडियन ओपी इज, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y माइनस y1, तो x1 y1 हमारा ओरिजिन होगा 0 0 और x2 y2 ये पॉइंट P होगा, ठीक है स्टूडेंट, तो हम इक्वेशन लिखते हैं y माइनस y1 0 अपॉन x माइनस x1 0 है इज इक्वल टू y1 0 है माइनस y2, y2 क्या है यहाँ पे 7 अपॉन 37 है अपॉन 0 माइनस ये 8 अपॉन 37, ठीक है, सो देयरफॉर ये आएगा y अपॉन x इज इक्वल टू ये देखो 7 अपॉन 37 अपॉन माइनस 8 अपॉन 37, तो ये 37 37 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या आएगा y अपॉन x इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, तो देयरफॉर 8y इज इक्वल टू 7x, सो हम 8y को राइट में लिखते हैं, तो ये 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द मीडियन, ठीक है स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट सम इज सम नंबर 11, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है, तो फॉर दैट इफ़ यू रिमेंबर हमने जो रिमार्क्स देखे थे इन लास्ट लेक्चर, तो इसमें हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है वो फॉर्मूला लिखा था, तो सेम हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये हमारा जो गिवन इक्वेशन है इसे हम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो देयरफॉर कंपेयरिंग विथ ठीक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वी गेट, अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ए इज इक्वल टू वन देन टू एच, टू एच एक्स वाई टर्म इज नॉट देयर सो देयरफॉर दिस इज ज़ीरो एंड देयरफॉर एच इज इक्वल टू ज़ीरो, देन बी बी कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सो दिस इज माइनस वन, देन टू जी दिस इज माइनस टू एंड देयरफॉर जी इज इक्वल टू माइनस वन, देन टू एफ इज इक्वल टू अगेन वाई टर्म इज अब्सेंट सो दिस इज ज़ीरो एंड देयरफॉर एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, देन नेक्स्ट सी सी इज इक्वल टू वन, सो स्टूडेंट यहाँ पे हमें सब कॉन्स्टेंट्स मिल गए हैं, तो अब हम हमारा फॉर्मूला लिखते हैं, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, ठीक है, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर और सेकेंड क्या है जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम ये जो कॉन्स्टेंट है सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो देयरफॉर एच इज क्या है, एच इज ज़ीरो तो ये ज़ीरो माइनस एफ भी ज़ीरो है
माइनस बी, बी क्या आएगा, बी माइनस वन है और जी माइनस वन है, ठीक है, अपॉन ए इज़ वन एंड बी इज़ माइनस वन, माइनस एच स्क्वायर ज़ीरो आएगा, और सेकेंड वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अभी जी माइनस वन है और एच ज़ीरो है, माइनस ए वन है और एफ ज़ीरो है, ठीक है, अपॉन ये वन इंटू माइनस वन माइनस ज़ीरो। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा और ये माइनस वन अपॉन, यहाँ पे माइनस वन माइनस ज़ीरो, ये माइनस वन आ रहा है, और यहाँ पे ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो अपॉन, अगेन दिस इज़ माइनस वन, सो दैट इज़ माइनस वन अपॉन माइनस वन, वन आ रहा है और ये ज़ीरो। Therefore, the coordinates of the point of intersection of the lines represented by x square minus y square minus 2x plus 1 equal to 0 are 1, 0. ठीक है, so this is our final answer. तो student, यहाँ पे हमने देखा point of intersection of the lines कैसे find करना है, तो बस आपको standard form के साथ compare करना है और बस आपको ये थोड़ा memorize करना है, ठीक है, तो बस इसमें value substitute करना है सब constant के and you will get the point of इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट ये हमारा लास्ट सम था इस चैप्टर का, तो आई होप इस चैप्टर में जो भी सम हमने सॉल्व किए हैं ये सब आपको समझ में आ गए हैं। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विथ मी।